उसी से पाव रोटी बन जाती है। अब उस पाव रोटी को ही खाना है सवेरे दोपहर शाम चौथी जब भी भूख लगे, क्योंकि और कुछ है नहीं खाने के। तो उन्होंने पाव रोटी के कई प्रिपरेशन बनाए हैं। पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ सलाद लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ मक्खन लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें गाजर मूली ककड़ी भर दो, पाव रोटी को बीच में से काटो तो इसमें कुछ सॉस भर दो, और उन्हीं को कुछ कुछ नाम है दे दिए, पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन है, वो सब पाव रोटी ही। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ा के पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं, अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना, वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं। आपके तो बस की बात नहीं। हालांकि आजकल वहां के भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अब आसानी से पच नहीं रहा, क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से कि देखो भाई खाना रात हो जाए तो नहीं खाना। आप में तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं बहने, आप तो जल्दी समझ जाएगी, रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। लेकिन उनकी सोचो, जहां 9 महीने सूर्य ही नहीं है, अब उनकी जठराग्नि कैसी होगी, या उनके पेट में पैदा होने वाले